में वकालत का गब्बर चला दिया जो मैंने कागजों का टब्बर अपने फंसे कामों में. व्हाट्स अप बेबी गर्ल, रिवेट सैलून भी मैनिक्योर करवाने हैं. असल में काम इतना बड़ा और काम दो टके का नहीं. फिर क्या किया तुमने, कराया कि नहीं? अच्छा छोड़ो, ये सुनो मेरे साथ कल क्या हुआ. अपने दोस्त, प्लीज टेल मी एवरीथिंग, आई एम सो फेड अप. अच्छा ये वो छोड़ो, ये सुनो, याद रखिएगा क्या हुआ. अपना तो काम यही. यू रिमेंबर द गाय आई यूज्ड टू लाइक इन कॉलेज? कांटे से चूहा. क्यों पसंद था वो तुम्हें? अच्छा तो था. तभी जाकर वो आप में इंटरेस्ट लेगा. अच्छे का क्या चार डाल रहे हैं? बाल देखे थे उसके? स्पाइक्स माय फुट. जबरदस्ती का गोरा अलग बनता था. आई एम टेलिंग यू, वो अपनी अम्मी या बहन की प्लीज इस्तेमाल करता था. एंड ऑनेस्टली यू वर वे आउट ऑफ हिज लीग. आई एम सो ग्लैड ही डिडंट आस्क यू आउट, वरना तुम तो हां कर देती. कहने को तो और बहुत कुछ है, मगर I thought I didn't want to break your newly born love emotion, so आगे बोलो. आगे ये कि उसने मेरी लास्ट ईयर की पिक्चर लाइक की है. What does it mean? कल मिले, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे. I don't think so. क्यों? सजाद के साथ कहीं जाना है तुम्हें? उस लेवले का तो नाम ही मत, होंठ खराब हो जाता है सर. चाहती हैं आपका पार्टनर आप में इंटरेस्ट ले, तो आपके लिए ये बात समझना जरूरी है कि आपको उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना होगा, तभी जाकर वो आप में इंटरेस्ट लेगा. है ना इंटरेस्टिंग? अपने फंसे कामों में उनको उन्हीं का फायदा दिखाने की कोशिश करें. असल में काम वो करेंगे और काम हो रहा होगा आपका. है ना काम की बात? अपने दोस्त, अपने होस्ट दिलबर जानी को इजाज़त दीजिए. मिलेंगे अगले शो में. शो का नाम याद रखिएगा, अपना तो काम यही है. अल्लाह हाफिज़. हेलो. हाँ एमन, जल्दी बोलो. ओके देखो एमन, मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ, जल्दी बताओ क्या है. क्या? नहीं नहीं मुझे याद है, लेकिन देखो हम चले जाएंगे, लेकिन आज नहीं जा सकते, मैं बहुत बिजी हूँ. इट्स टू मच वर्क. ओके ऑल राइट, चलो ठीक है. कलर सेलेक्ट करने में कितना टाइम लग जाएगा? तुम तैयार है ना? मैं तुम्हें शाम में पिक कर लेता हूँ. ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज. सॉरी गाइस. अरे क्या माफियाँ चल रही हैं? अब मत पूछो यार. मैं सॉरी क्यों बोल रहा है? मेरी शादी को 3 साल हो गए, ऐसी हजारों कॉल्स अटेंड कर चुका हूँ मैं. वैसे लेना क्यों है नया सोफा? ये सोफे की क्या मजाक रात चल रहा है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने. पिछले दिन हमारी सास आई थी घर, सोफा पे बैठी, नहीं उठ सकी. हाँ हंस लो, हंस लो. ठीक है, अब इनकी वजह से मुझे नया सोफा लेना है. अच्छे मेरे पार्टनर है या तो अब हमने नया सोफा लेना है. तो क्या सोचा? हाँ तो मैंने यही सोचा है कि अगर इस दफा मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगी तो मैं रेजिग्नेशन के मुंह पे मार दूंगा मैनेजर के. I've had it. अबे सोफे का क्या सोचा भाई? तो बस कलर जाके सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स सी. हाँ तो कौन सा कलर पसंद है? लाइक तुझे कौन सा कलर पसंद है? अच्छा सवाल है. इट्स नॉट अबाउट मुझे कौन सा कलर पसंद है, इट्स अबाउट एमन, व्हाट कलर डज शी लाइक. देखो हर चीज में कलर पैलेट होता है. कपड़ों में ग्रीन, दीवारों में रेड, टूथब्रश पर्पल, यू नो बेडशीट्स डिफरेंट कलर होने चाहिए. तो सोफा का मुझे आई डोंट नो, व्हाटएवर. अब देखते हैं सोफा में क्या कलर पसंद करती है. डजंट मैटर व्हाट आई थिंक, आई जस्ट गो ऑन फॉर द राइड. तो वो मैं काम पे चल, काम ही कर लेते हैं सोफे का. Even I know तुम बहुत परेशान हो, लेकिन listen, you know what happened to me? You know that designer Faria C? Faria B? No, Faria C. वो इतनी बुरी है कि मैंने उसको demote कर दिया. You know I went to her last week to give my measurements for my lehenga. You know I went there and she's like, and I'm just, you know,
इतने मुश्किल से मैं ड्रेसिंग रूम में घुसी और पहन रही हूँ एंड द लहंगा इज टाइट एंड शी इज लाइक मैडम यू गेन्ड वेट डू यू थिंक आई गेन्ड वेट खैर एनीवे छोड़ो ये तो हो गई मेरी कहानी तुम बताओ हुआ क्या हुआ ये कि वो बहुत बोरिंग होता जा रहा है ऐसा लगता है किसी ने उसके अंदर से उसकी रूह निकाल के किसी अत मरे बुट्टे की रूह डाल दी हो अरे कहीं काउच पे बैठे तो उतना ही भूल जाता है जब वो सोफे पे से उठता है ना सोफा अंदर धंसा हुआ होता है उसके उठने पे सोफों की दुनिया में ईद मनाई जाती है Can imagine. Can't imagine, Natasha. You can't imagine. जहां पे तुम्हारी इमेजिनेशन खत्म होती है वहां से वो स्टार्ट होता है मैंने उसके साथ मूवी देखने का प्लान बनाया इतनी मुश्किल से मैंने मूवी सिलेक्ट की तो पता उसने क्या किया वो मूवी के स्टार्ट के 5 मिनट में सो गया शुरू के 5 मिनट में कोई कैसे सो सकता है जागने के टाइम पे वो सो रहा होता है और सोने के टाइम पे वो यहाँ बैठ के मैच देख रहा होता है मेरा ख्याल है उसे इलाज की जरूरत है मेंटल केस होता जा रहा है वो मेंटल केस से याद आया वो तुम्हारे केस का क्या हुआ वो तुम्हारे और सजाद बात ले रहा अच्छा नाम नहीं ले रही लेकिन उस केस का क्या हुआ हुआ होगा कुछ ना कुछ वैसे आई एम थिंकिंग कि वो जो उसने इयररिंग्स तुम्हें दी थी उसका क्या हुआ तो क्या वो तुम्हें वापस करनी पड़ेगी वापस क्यों करनी पड़ेगी आई डोंट नो आई वाज जस्ट आस्किंग फिक्र हो रही थी मुझे फिक्र मत करो ना फारिक समझती हो क्या आई विल हैंडल इट डोंट वरी आई नो ऐसा भी क्या है तुम फजूल में परेशान होती हो तुम्हें काम करो कि तुम घर से ना सोफे हटा दो सोफे नहीं रहेंगे तो कहाँ बैठ के देखेगा मैच और तुम्हें काम करो केबल भी काट दो तो इन इयररिंग्स की वजह से आपकी नियत बदल गई नियत तो नहीं बदली बस मैं सोच रही हूँ क्या सोच रही हैं सोच रही हूँ कि अगर मैं और सज्जाद अलग हो गए तो क्या मुझे ये इयररिंग्स वापस करने पड़ेंगे बिल्कुल वापस करने पड़ेंगे बल्कि मैं तो कहता हूँ जाके इयररिंग्स उसके मुंह पे मारे नहीं आई मीन इट्स अ गिफ्ट देखिए बाद में आपसे छीने जाए उससे बेहतर है कि आप खुद ही वापस कर दें छीने जाएंगे मुझसे कोई कुछ छीन के दिखाए मैं बताती हूँ उसकी आप फिक्र मत करें हाँ अगर मैं प्यार से दे दूँ तो वो एक अलग बात है मगर छीनने वीनने की कहानी भूल जाए तो यानी आप खुद वापस कर देंगे वापस तो मैं आज कर दूँ मगर बस मैं एक बेहिस इंसान नहीं मुझे लोगों की एफर्ट्स की कदर है और फिर इतनी एफर्ट करके उसने मुझे गिफ्ट दिया और मैं वापस करके उसका दिल तोड़ दूं ये नहीं हो सकता हीरिंग से तो नहीं है इसमें क्या एफर्ट जी आपको पता है उस धक्का स्टार्ट ने खुद जाके लिए इयररिंग्स उसने ये छोटे से इयररिंग्स लेने के लिए कम से कम 6 से 8 दुकानें छानी होंगी और फिर ये इयररिंग्स इतनी आराम से मिलने वाले भी नहीं है ना तो एफर्ट तो की होगी अरे आपको नहीं पता शॉपिंग का नाम सुन के ना उसका मुंह एक जिंदगी से थके उल्लू जैसा हो जाता है मतलब शॉपिंग पे उसको अजीब अजीब दर्द उठते हैं वो दर्द भी कंफ्यूज्ड होते हैं उसकी पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं कभी कहता है मेरे सर में दर्द है कभी कहता है मेरे पेट में दर्द है कभी कहता है मेरे पैरों में दर्द है कभी कहता है दर्द है लेकिन पता नहीं कहां दर्द है हाँ। आप खुद पता है हफ्ते में 4-5 दफा शॉपिंग पे जाना am I asking for too much? Yes, it is too much to ask. It's too much of a waste of time. आपको पता है आम बंदा शॉपिंग किस तरह करता है दुकान में जाता है खरीदारी करके वापस घर चला जाता है बट नॉट एमन नो नहीं भाई अभी तो सिर्फ 9 बजे इतनी जल्दी तुम कभी ऑफिस गए हो हाँ नहीं वैसे भी मुझे जल्दी निकलना होगा इससे पहले कि एमन उठ जाए अरे हाँ उसे याद है वो प्रेजेंटेशन खत्म करनी होंगे मैंने बॉस को क्या टोपी दी मैं ऑलरेडी खत्म कर चुका हूँ तो अच्छा हम बैठ जाएंगे उसके बाद हाँ 6 बजे आराम से चलेंगे यार अच्छा मैं तुम्हें बात
Hi, I was just leaving. Sajjad, suno na. वो मैं सोच रही थी कि no, Iman, whatever you're thinking, don't. मुझे ऑफिस जाना है, प्लीज. ओके, अच्छा एक सेकंड बैठो, तो बात तो सुनो, बात तो सुन लो, मान ले चलो ना. प्लीज सजा, Iman, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे मॉल जाना है. Iman, मुझे काम से निकाल देंगे. मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी. चलो ये अच्छी बात है, वो मुझे जॉब से निकाल देंगे तो मुझे घर से निकाल दो, मैं जाकर किसी जंगल में रह जाऊंगा. राइट, अगर आज तुम मुझे मॉल लाने के गए ना, तो जंगल में ही रहना पड़ेगा. प्लीज, व्हाई यू बी सो अनरीजनेबल? प्लीज, हम किसी और दिन चले जाएंगे, शाम में चले जाएंगे. ओके, ये बात तो मुझे पिछले डेढ़ हफ्ते से बोल रहे हो. आज मैंने सुबह मॉल जाने का प्लान इसीलिए बनाया. कभी तुम्हें रश आवर की टेंशन होती है, कभी तुम्हें सुबह की प्रॉब्लम होती है, मॉल जाना है. Iman, सुबह के 9 बजे मॉल कौन जाता है? मैं. Come on. देखो ना, मम्मी सब फ्रेंड्स होंगे, सब नई ब्रांडेड कलेक्शन पहने और मैं बस कुछ भी पहन लूं. Iman, मुझे ऑफिस जाना है. सज्जाद, मुझे मॉल जाना है. अगर तुम्हें ऑफिस जाना हो और मुझे मॉल जाना होगा, तो हम कहां जाएंगे? सोच के बोलना. मॉल? That's like a goodbye. नहीं, मैं तुम्हारे बगैर मॉल नहीं जाऊंगी, मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है. कोई नया बहाना नहीं देगा इसमें. मॉल मेरे बगैर चली जाओ, ज्यादा मजा आएगा मेरे बगैर. Nope, I want to go with you. Okay, I'm ready. Let's go. 1 hour, just 1 hour. मॉल में आएगा, promise. कुछ नहीं जानता. के दामन आस्तीने, इस औरत की वजह से मेरा सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बर्बाद हो गया है. मुझे सजाए मौत के कैदियों के साथ भी बिठाया देना तो उसको मैं ही कसूरवार लूंगा. आखिर एक दिन मैंने ठान ली, आज कुछ ऐसा करूंगा कि साबित हो जाए मैं हूं. आखिर हाँ, मैं उसका सूट लेकर खुद टेलर के पास गया. अरे इतनी पढ़ाई मैंने शायद अपने एग्जाम के लिए नहीं की जितनी इस एक सूट के लिए की है. उफ़, ओके, तो मेरा आउटफिट कितना मुश्किल हो सकता है. अस्सलाम वालेकुम. वो सूट बनवाना था. लेडीज ओनली? जी लेडीज ही है. आप? या सूट? यू राइट, ये शर्मिंदगी की बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूं. एक दिन उसने मुझे भेजा अपने सूट पिक करने, मैं भी बेवकूफ अकेला चला गया. मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, कहती वहां पे बैठे रहो जब तक वो आपको सूट दे देंगे थोड़ी देर में. तो ऐसा लगा कि मेरी कोई मतलब, मैं बैठा रहा जैसे मैं भीख मांग रहा हूं एक डिजाइनर सूट के लिए. फेयर? कुछ नहीं पता उसे, मेरे साथ शॉपिंग पे जाता है ना तो बस खड़ा रहता. कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ कोई मैनेकन हो. एक तो वैसे ही उसका दिमाग नहीं चलता, और उस वक्त तो ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग चलना बिल्कुल ही बंद हो गया.
और गलती से कोई ओपिनियन मांग लो। और कलर, कलर के बारे में तो आप पूछे ही मत। 5 डिफरेंट ब्लू के शेड्स दिखाए मैंने उसे, टर्कोइज ब्लू, इलेक्ट्रिक ब्लू, बेबी ब्लू, स्काई ब्लू, पाउडर ब्लू। आपको पता उसने क्या कहा? उसने कहा कि सारे सेम हैं। इतनी बेसी। वो डिजाइनर्स बेचारे जो खून पसीने की मेहनत करके ब्लू के 5 डिफरेंट शेड्स बना रहे हैं, उनको अगर पता चल जाए कि ये कलर ब्लाइंड अंधी डॉल्फिन को सारे सेम लगते हैं, तो वो खुदकुशी ना कर ले। अब आप ही बताएं, इस पे ट्राई ना करूं तो किस पे करूं? सेल्स गर्ल पे? अगर कोई चीज गलत आ जाएगी तो भी यही चाहेगा कि गलत क्यों मी? मैं कोई पुतला लगता हूं? क्या जरूरी है कि हर शेड मेरे ऊपर ट्राई करे? बाकी लोग देख के मुझ पर हंस रहे हैं। How embarrassing! और क्या जरूरी है कि हर शेड को ट्राई करे? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सिर्फ मुझे एम्बैरेस नहीं कर रही बल्कि पूरी इकोनॉमी को डुबा रही है। न्यूसेंस टू शॉप अप। ठीक है, इट्स नाइस। नो, इट डजंट लुक नाइस। सब लोग देख रहे हैं मुझे, इट्स सो एम्बैरेसिंग। हटा देती हूँ, सॉरी। नहीं, एमन, जमीन प्लीज लीव। श्योर। अरे सुनना तो दूर की बात, बोलता तक नहीं है, कानों में उसकी डेथ मेटल चल रहा होता है, उसको मेरी आवाज ही नहीं आती। और आपको पता है वो बार्गेनिंग कैसे करता है? पता है आपको? नहीं, नहीं पता। नो, एनलाइटन मी।
रखे थे चीफ मैनेजर सेल पे थे। ये सेल पे थे? That's why they were so cheap. What do you mean? Very cheap. You want to get something for Darian? Yeah. वो जाके दुकान वाले से पूछता है ये चीज कितने की। दुकान वाला कहता है 500 की। वो बड़ी हिम्मत करके कहता है भाई प्लीज 400 की दे दो। दुकान वाला कहता है नहीं 500 में ही दूंगा। वो कहता है ठीक है पैक कर दो। छी इतनी शर्मिंदगी होती है। अब आप ही बताएं, ज्यादा नहीं है 500? हाँ 500 ज्यादा है। और अगर एहसान करके मेरे साथ कभी शॉपिंग चला भी जाता है तो आपको पता है इसका एक अजीब मसला है। मैं शूज लेने जाती हूं ना तो वो दुकान के अंदर ही नहीं आता, बाहर चुप के खड़ा रहता है जैसे बहुत बड़ा सुपरस्टार हो और अंदर उसके फैंस उसके साथ सेल्फी लेने के लिए इंतजार कर रहे हो। तो होते फॉर एमन शॉपिंग एक स्ट्रेटजी है मेरी जिंदगी को अजाब बनाने की। कैसे? हम मॉल में जाते हैं 4 घंटे के लिए और पूरे मॉल को छांटते हैं और उसके बाद हम एक दुकान में जाते हैं और क्या खरीदते हैं है? Exactly, nothing. मैं इतनी एक्साइटमेंट हो रही हूँ, तुम भाग कहाँ रही हो? I'm excited for my lipstick shade I told you. सब कुछ लेकर आए। Everything, Think everything, right? ये मेरा सामान है। हाँ ये मेरा सामान। मैंने अपना सारा सामान अलग कर दिया है। Wait, a second. क्या मतलब तुम्हारा सामान? वो सारा तुम्हारा सामान है। तुम घर के लिए तुमने सिर्फ ये लिया है? What do you mean? एक चीज पूरे घर के लिए? Wait a second. Are you serious? तुमने शॉपिंग में इतना टाइम लगाया, तुमने घर के लिए एक चीज लिया कि हम पूरा महीना बैठ के चीनी खाएंगे? मैंने लिया। इतनी देर तुमने क्या किया वहां? ये सिर्फ मेरा काम नहीं है सचा। Grow up. Learn to take some responsibility for God's sake. What? अच्छा और कोई जिंसला वगैरह शायद आया था घर में? कोई टेबल टूटी थी? कहा था ना मैंने लोमड़ी है वो लोमड़ी। इतनी चलाकी से अपने सारे फ्लॉज छुपा के मेरे घर वालों की बुराइयां करती है। आपको पता है मेरी मम्मी की कमर में वो आ गई है। क्या? जिससे बहुत दर्द होता है। स्पॉन्डिलाइटिस? ये ढंग का सोफा नहीं है घर में। आप बताएं सोफा जरूरी है कि नहीं? पता है ना कितना जरूरी होता है सोफा। हर रिश्ते की बुनियाद है सोफा। इंतहा जरूरी है सोफा। माय गॉड, मेरे अल्फाज खत्म हो चुके इस खानदान के लिए। जलजला? सीरियसली? उफ़, यकीन नहीं आ रहा ये लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। काश जितना पैसा होता उतनी अकल होती। सारा कलर फेड हो गया। Looks like some cheap dilemma text. ये बर्तन तो मैं लेके आई थी ना। वेरी गुड क्वालिटी। He doesn't know anything about brands. अब मैं इस लोकल इंसान को किस जबान में समझाऊं कि ब्रांड इज नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट, इट्स अ फीलिंग। बाजार साहब आपस की बात है, ये शर्ट आपने पहनी है बड़ी डिसेंट लग रही है। थैंक यू, बड़ी एक्सपेंसिव भी है। अपना अपना टेस्ट है जी, कहाँ से लिया? वैसे मैंने ये शर्ट ना पूरे 250 रुपये में ली थी जैनब से। हाँ जैनब? ओ मिसेज, ये जैनब अफ्रीका में? इनको नहीं पता मार्केट। हाँ आप लोग भी हैरान हो गए ना, मैं भी ऐसी हैरान और परेशान हो गई थी, पूरी रेड हो गई थी मैं गुस्से में। अफ्रीका जी बड़ा घुमा होना मैं। अरे भाई 250 रुपए ऐसे मिनटों सेकंडों में उड़ा दिए, इतनी फजूल खर्ची। वेरी एक्सपेंसिव। ओए सादे नाल रोंग ते ऐश करोगे। माय गॉड दैट्स सो चीप। 50? सीरियसली आई वाज सो एम्बैरस्ड।
वेयरिंग वन ऑफ स्टिक वेस्ट ऑफ फोर डिजिट्स. मैंने सोच लिया था आइंदा कभी इनको अपने घर इन्वाइट नहीं करूं. डू यू फील बेटर? नो, डोंट फील बेटर. आप भी कह रहे हो ज़लज़ला कहाँ से आ गया? आपने गौर नहीं किया वो जो उसके अब्बा है ना एमन के, उनके हाथ में हमेशा एक गिलास रहता है जो खाली नहीं होता. ज़लज़ला तो आएगा. ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? व्हाट हैपेंड? ओह व्हाट्स रॉन्ग? कुछ माहौल बनाए ना, शो डाले. मतलब क्या? कोई जलजला नहीं आया था. दिस इज माई लाइफ. अच्छा वो सी ग्रीन ड्रेस था. मेरा सी ग्रीन ड्रेस मगर आपको कैसे पता? जस्ट गेसिंग. आपको पता है वो ड्रेस घर में कहीं गुम हो गया है. ये महीने हो गए मिले नहीं आप. लेकिन आपको यू नो सी ग्रीन इज अ कलर प्रेफर्ड बाय अ लॉट ऑफ वुमेन एंड आई हैपन टू नो अ लॉट ऑफ वुमेन सो इट्स अ कैलकुलेटेड गेस आई सपोज. मास्टरपीस. एक मिनट मिलना. कमर 28, चेस्ट 32, हार्ट 2, थोड़ा ऊपर कर लेंगे तो 30. समझे कि किसी पागल कुत्ते ने मुझे काटा होगा कि मैंने सोचा कि मैं एमन के लिए एक सूट बनवा लूंगा खुद से. मैंने इतनी कोशिश की, इतना समझाया, इतना याद करवाया, लेकिन उसके बावजूद उस टेलर ने अपनी मास्टरी दिखाई. आपको पता है टेलर्स तो अपने मर्जी के मालिक होते हैं, राइट? इसके अलावा क्या करवाना? इस दुनिया में औरतों की बातों के अलावा सबसे ज्यादा मसरूफ हम हैं. जल्दी बताइए क्या करना है. टाइम इज वेरी शॉर्ट. मैं तो सीधा कॉलेज ही पहुंच गया था. जैसे कोई बहुत ही खतरनाक वाइवा स्टार्ट होने वाला है. ऐसा लग रहा था कि अभी पीछे हेडमास्टर आएगा इस टेलरिंग स्कूल का और मेरे जेब से ये भरे निकाल के अगले दिन मुझे असेंबली में जलील करेगा. पर मैं भी कोई कम नहीं हूं. कॉलेज ऐसे थोड़ी निकला था. यू शेप है दामन जी. नहीं, गले से स्टार्ट करना है. गले से शुरू कर. ओह ओके. गला बे शेप है, दामन यू शेप. फिर मतलब वो आपने साइड का काम जो है वो बिल्कुल बिल्कुल हटाना है और कुरैशी का काम होगा उसका उसको काटना नहीं बल्कि कुरैशी का काम बिल्कुल भी नहीं काटना है और पाइपिंग स्टिचिंग होगी और लेस नहीं लगाना है.
पेट में दर्द तो नहीं है तुम्हारे? नहीं तो? गाड़ी स्टार्ट तो नहीं छोड़ा है? नहीं। जरूर बेगम से डरते होंगे। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये बकवास बातों के लिए आप लोगों के टाइम है। हाँ, जिस तेजगाम की स्पीड से तुमने मुझे बताया ना, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आया। शुरू से शुरू करते तो दामन गोल होगा। जी नहीं, चकोर होगा। नहीं नहीं नहीं, वो यू शेप है। नहीं, बे होगा, बे होगा। और दामन और गला, फिर गला गोल होगा। जी गला गोल होगा। नहीं वो तो वी था। नहीं नहीं, वो यू शेप है यार, बे शेप है। अच्छा तो फिर आस्तीन गोलो। आस्तीन तो होगी नहीं। क्या? एकदम स्लीवलेस। नहीं यार चुप कर जाओ, तुम दोनों बोले जा रहे हो, मतलब मुझे याद आती है थोड़ी बातें, तुम लोग बोले जा रहे हो, जस्ट शट अप। देखो मेरी बात सुनो, गोल होगा, दामन यू शेप है, दामन यू शेप है और गला गोल है, और फिर आखिर में हुआ क्या, उसने सूट को बर्बाद ही कर दिया था, बिल्कुल ही तबाह कर दिया। और मैं एमन को किस तरह समझाता, इसमें मेरा क्या कसूर? मैं क्या करता? तो आपने बताया एमन को ये गंभीर हादसा। रुस्तम साहब, ये सब आपको बताने के बाद आप ये मुझसे पूछ रहे हैं? चाप 7 inches। जी हाँ ठीक है। चाक? अरे चाक छोड़े, हम ऐसे ही टेलर स्विफ्ट मशहूर नहीं है, बल्कि ऐसा करते अनारकली डिजाइन डाल देते। हाँ? मैं तो कहता हूँ पेपलम बना देते हैं, क्या कहते हैं आप? देख लो ना, कपड़ा अगर ज्यादा है तो एयर वाली फ्रॉक बना देते हैं, ये ठीक रहेगा। हाँ? ज्यादा है तो एक इनका भी बना देते हैं, एक तीर से दो। यार चुप कर जाओ तुम दोनों, एक मिनट मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम लोग बोले चले जा रहे हो। आपके ख्याल में मैं उसको बताता और वो मजबूत जूता? किस कलर का सूट था? कलर नो, मुझे याद नहीं आ रहा। हर दम क्या कह रही थी? हाँ वो ड्रेस ना, यू नो इट वाज माय फेवरेट ड्रेस, बहुत एक्सपेंसिव था, और फिर आपको तो पता है ना कि ब्रांड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल होते हैं, ब्रांड्स आर इंपॉर्टेंट। एक मिनट, कुर्ता कट होगा और आस्तीनों पे एक एक प्लीट्स लगेंगी। ओके प्लीट्स? जी प्लीट्स। प्लीट्स कम होते तो इंग्लैंड जाना होता है, हमारी बुटीक पे नहीं आना होता है। क्या कम होते हैं? प्लीट्स। ना क्या प्लीट्स? हाँ एक मतलब आप फिर बताइएगा क्या डालना है। प्लीट्स भाई प्लीट्स। अरे गूगल करके गया था मैं, प्लीट्स कहते हैं उसे, प्लीट्स ही कहते हैं राइट? प्लीट्स प्लेट्स होती है बेटा, परसों आगे सूख ले जाना, जरा एहतियात से बना दे मुन्ना। सुने कितनी प्लेट्स डालनी है? प्लेट्स वैसे टाइम अब तक सेट नहीं हुआ, हमारा भी सेट नहीं हुआ। तुम्हें क्यों पता होगा? ऑफ कोर्स, तुम तो सारा टाइम ऑफिस में होते हो, और जो टाइम थोड़ा सा बचता है वो अपने स्टूपिड फ्रेंड्स के साथ बिताओ। कम ऑन यार, विल यू स्टॉप, तुम यहाँ पे भी शुरू हो गई हो। क्यों तुम्हें शर्म आ रही है, कोई सुन लेगा? I don't care. We have to buy the sofa, Deepa. वाह, तो मैंने कौन सा मना किया? तुम बोले जा रही हो। चल यहाँ चलते हैं ना। हाँ ठीक है तुम। या हो एक सेकंड। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? Oh, that's great.
यानी बहुत अच्छी बात है। नो नो ऑफ कोर्स यस जी जी या ओके मैं आता हूँ। एक दिन, सिर्फ एक दिन तुम इस फोन से पीछा नहीं चढ़ा सकते? इमन बॉस की कॉल है, I have to go. What do you mean जाना पड़ेगा? मैं क्या करूँ, उन्होंने मुझे बुलाया, उनकी वाइफ की बर्थडे है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें बॉस की बीवी की फिक्र है, अपने मसले तो तुमसे संभाल नहीं रहे। नहीं तो मैं क्या करूँ, उनको मना करूँ? He's called me, I have to go. Unbelievable. इमन इसमें unbelievable. इमन listen to me. सीधा इन गलियों से मैं वकालत का गब्बर चला दिया जो मैंने कागजों का टब।